अरे हो गया कभी भी कर रहे हो? हो गया सर। हो गया। डाउट्स हैं पूछो। थर्ड का फिफ्थ, सर थर्ड का सेकंड, थर्ड का थर्ड। अरे भाई मैं मजाक किया था, डाउट है तो पूछो। तुम तो सीरियस हो गए। कौन सा करना है बोलो? थर्ड का। हाँ बोलो। फिफ्थ। हेलो। थर्ड का फिफ्थ को, और तो थर्ड में कुछ और बोला था। थर्ड। थर्ड में थर्ड, एक्स प्लस वाई। ये तुमको फील आनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूट करने पे क्या हो रहा है? मुझे दिख रहा है, तुमको दिखना चाहिए था। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लो, वी लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को वी लो, क्या बन जाएगा बोलो? 2x प्लस, बोलो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx। यस अरे भाई हो गया क्या? तो क्या आ गया? 1/2 dv बाई dx इज इक्वल टू, बोलो क्या आ गया? sec स्क्वायर v हो गया ना अभी, समझे? हाँ सर, सर सेकंड का फिफ्थ भी। हाँ फर्स्ट का सेकंड का सेवन। फिफ्थ। हाँ वो थोड़ा ठीक है। थर्ड का थर्ड कॉपी कर लो, फिर हम फर्स्ट पे आते हैं, वापस प्रॉपरली आते हैं। रब करें ना? ठीक है। हाँ तो 7.3 कर पहला का, बोलो पहला कौन सा करना है? 7th, 7.7। फिफ्थ फिफ्थ भी? अरे फिफ्थ में क्या हो गया यार? डी थीटा वाई थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। क्या बेसिक इंटीग्रेशन नहीं आ रही क्या? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी होगा ना यार, ये क्यों नहीं आ रहा है? तो क्या बन जाएगा? थीटा माइनस थीटा नॉट। अरे भाई इसका भी डाउट है, पहले बोलो क्यों नहीं बना है? सर, मेरे को लगा वो थीटा नॉट का अलग से लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? कांस्टेंट है वो, आपका डी के साथ हाँ क्या है? थीटा है ना, तो भाड़ में क्या थीटा नॉट? सर, हाँ सर। हाँ नेक्स्ट बोलो। हाँ फर्स्ट का फिफ्थ हो गया, फिर नेक्स्ट बोलो। सेवेंथ, सेवेंथ वाई क्यूब माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है? तो सीधा हो गया ना रे, तुम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे हो यार। डी वाई बाई डी एक्स इधर ले लिए, यहाँ पे क्या लिखा है? 1 + x² लिखा है ना, क्या थक गए क्या सुबह से? डी एक्स बाई 1 + x² तुम समझ ही नहीं रहे हो क्या कर रहे हैं हम लोग। बन गया? हेलो सर एक बार पूरा सॉल्व करके दो ना, आंसर मैच नहीं कर रहा मेरा, पता नहीं क्यों। हाँ सर, मैच नहीं कर रहा। टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? कोई कर दोगे मेरे लिए? माइनस वन माइनस बाई वन बाई टू टू वाई स्क्वायर वाइस। हाँ भैया यही आंसर है। ठीक सर, शायद उन्होंने वाई क्यूब की जगह वाई स्क्वायर ले लिया क्वेश्चन। अब जो भी है जैसा दिया है मैंने सही सॉल्व किया। आगे बोलो, नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट सेकंड का फिफ्थ, सेकेंड का थर्ड। कौन सा? सेकेंड का
थर्ड थर्ड सेकंड का थर्ड अच्छा सेकंड थर्ड में दिक्कत क्या है बताओ मतलब क्या हुआ कुछ दिक्कत आ गई इसमें क्या दिक्कत आ रही है वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पा रहे हो हाँ देखो ना x प्लस वन बाई डीवाई बाई डी एस ये नहीं कर पाए तुम ये देखो तो ये स्टेप किए ये स्टेप करने के बाद सारे y वाले को dy के साथ और x वाले x के साथ ये नहीं कर पा रहे ऊपर भेज दे पावर y dy बाई 2 प्लस ई वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स प्लस वन ये नहीं कर पा रहे हाँ अभी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना क्या होगा इसका इंटीग्रेशन लॉन 2 प्लस ई वाई इज इक्वल टू लॉन एक्स प्लस वन प्लस सी ठीक है अब ये क्या लिखा हुआ है 2 प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन ठीक है अब क्या दिया है एक्स वन पे वाई जीरो है x1 पे y0 है तो इससे a आ जाएगा डालो x1 y0 तो 3 is equals to a into 2 ठीक है a का वैल्यू आ गया 3 by 2 तो 2 plus ey is equals to 3 by 2 into x plus 1 हो गया मेरे क्या हेलो हेलो हाँ सर क्या नहीं बना था इसमें क्यों नहीं बना कहाँ फंस गए थे सर वो वैल्यूज पुट करने के बाद नहीं आ रहा था क्या पता ठीक है अभी क्लियर है हाँ हाँ ठीक है नेक्स्ट बोलो थर्ड क्वेश्चन नहीं इसका और कॉपी कर लिए हाँ सर कर लिया सर नेक्स्ट बोलो हो गया इसको के पकड़ लिए कॉन्स्टेंट है सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे y इज इक्व टू के एक्स प्लस सी अभी दिया हुआ है y एट जीरो इज इक्व टू टू y at 0 at 2 तो x का वैल्यू 0 पे y 2 है तो c का वैल्यू 2 आ गया ना फिर तो अपना आ गया y is equals to cos inverse a into x plus 2 ले रहे क्या हाँ सर नेक्स्ट बोलो हाँ थर्ड पे आओ बोलो थर्ड में कौन सा करना है बोलो कौन सा फिफ्थ थर्ड का फिफ्थ वाला वो तो हिंट दिया है ना आपको मैं इतने दिन से क्या कह रहा हूं जो भी चीज ई वे की पावर में रहती है पहले सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना सब्स्टिट्यूट कर दो ना y बाई y इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो क्या होगा देखो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो v प्लस x dv बाई dx क्या यहां तक बात समझ में आई है हेलो हाँ सर यहां तक बात समझ में आई है ना तो अब बस हो गया ना अभी कुछ नहीं करना है अभी तुम्हारा x dv x हाँ यहां पे चीजों को सब्स्टिट्यूट कर दो डीवाई बाई डी एस क्या आया देखो x के साथ क्या आया बोलो डीवाई बाई डी एस कितना आया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू ई की पावर v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स कुछ हुआ क्या अच्छा देखो तो बेटा एक्स वी प्लस एक्स स्क्वायर कुछ अच्छा हुआ क्या सब लोग लगता है दशहरे में खाना खाने लगे क्या वो कट जाएगा ये कट गया एक्स स्क्वायर कट गया है ना
क्या बचा बेटा, डीवी के साथ ई की पावर वी और डीएक्स के साथ कॉस एक्स। अभी कर लोगे आप? हाँ सर। अरे ये क्लियर है क्या? कॉपी करिए आप लोग। कॉपी कर लिए? हाँ सर। आपको ध्यान रखना है कि आपको बस चीजों को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है? फिर आते हैं अपन होमोजीनस, होमोजीनस फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है? होमोजीनस फंक्शंस क्या होते हैं, ये आई थिंक शायद 11th में पढ़ाया था, ठीक है? पता नहीं, एफ एक्स वाई, सिंपल सी बात है, मैं काम खत्म कर रहा हूं। इफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर एन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, देन एफ इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डी एन, ठीक है? मतलब आप देखो ना, आपने 11th में ये इक्वेशन देखी है कि नहीं देखी है? देखिए ना इक्वेशन, बोलो है ही नहीं? हाँ सर। बताओ ये होमोजेनियस, होमोजेनियस फंक्शन है ना कि नहीं है? ये फंक्शन है। कैसे बताओ, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई क्या होगा बोलो? लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस थ्री लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। चमक रहा है क्या? आपने लैम्डा स्क्वायर बाहर लिख लिया, क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, which is lambda square f of xy. ये clear है क्या? तो homogeneous function of degree क्या है? 2 है। अच्छा ये बताओ तो f of xy sin y by x plus e की power x by y plus c, ये बताओ homogeneous function है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, कैसे भाई? कट गया ना, क्या आ गया वापस से? एफ ऑफ एक्स वाई आ गया ना, मतलब लैम्डा की पावर जीरो आ गया कि नहीं आ गया? तो है ना ये होमोजीनियस? होमोजीनियस ऑफ डिग्री जीरो। और यहाँ पे क्या था डिग्री? 2। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। एक सर, एक मिनट सर।
हो गया सर। कॉपी कर ली सब लोग? हाँ सर। हाँ सर। क्या हो गया, बहुत कम लोग आए क्लास में? सब लोग दशहरा मना रहे हैं क्या? ठीक है ना। सो अ इक्वेशन ऑफ फॉर्म एफ एक्स वाई डी वाई प्लस जी एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो इज होमोजिनस इफ एफ एंड जी आर होमोजिनस ऑफ सेम डिग्री, आर होमोजिनस ऑफ सेम डिग्री। इतना क्लियर है क्या? दैट इज सुनो, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई, है ना। तो अगर इसका डिग्री ऑफ होमोजिनिटी और इसका डिग्री ऑफ होमोजिनिटी सेम है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है आपका ई एक्स वाई, इसका होमोजिनिटी का डिग्री कितना होगा? इसका होमोजिनिटी का डिग्री कितना होगा बताओ? जीरो। जीरो ना, कैसे? अरे इसका डिग्री टू है, इसका डिग्री टू है, दोनों में से लैम्डा स्क्वायर बाहर आया होगा ना। हाँ सर। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का, इस पूरे इक्वेशन का होमोजिनिटी का डिग्री क्या? तुमको चमक रहा है ई एक्स वाई क्या है? हाँ सर। क्या है ई एक्स वाई? पूरा फंक्शन, पूरा एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई, ये बात चमकती है। ये पूरा एक्सप्रेशन का डिग्री ऑफ होमोजिनिटी क्या हो गया? जीरो। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। देन यू कैन सब्स्टिट्यूट इधर y इज इक्वल टू वी एक्स और x इज इक्वल टू वी वाई। एंड देन जैसे पिछला क्वेश्चन, अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, कौन सा, जो प्रियंका रघुनाथ ने पूछा था, वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। देन अगेन यू विल रीच अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। आपको चमक में आया क्या कि y इक्वल टू वी एक्स या v इक्वल टू वाई एक्स कब रखना है? ऐसा नहीं है कि बस इसी में रखना है, और भी कहीं रख सकते हैं, लेकिन यहां पर तो रखना ही रखना होता है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। एक बात सुनो, अगर होमोजिनियस फंक्शन, अगर डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू होमोजिनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री जीरो है, डीवाई डीएक्स इक्वल टू ये अगर डिग्री जीरो है, दैट मींस वाई इक्वल टू वी एक्स या एक्स इक्वल टू वी वाई तो रखना ही रखना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि और कहीं पे वाई इक्वल टू वी एक्स नहीं रख सकते। ये बात चमकती है क्या? अगर मैं कहता हूं इफ इट इज मंडे देन इट रेन्स, इसका मतलब ये है क्या कि बारिश हुई तो मंडे है? नहीं सर। समझ गया ना, इसका मतलब क्या हो, मंडे है तो बारिश होगी, बट बारिश तो मंडे है। क्या चीज बारिश वाला? हाँ यही मतलब, आपने जैसे जो समझाया वो समझा नहीं। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर होमोजिनियस इस टाइप का सिस्टम है ना, डीवाई बाई डीएक्स अगर आपका ऊपर नीचे का डिग्री ऑफ ऊपर नीचे डिग्री अगर होमोजिनिटी सेम है ना, ठीक है, तो अगर डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल, सिंपल सी बात है कि मैं ये मीन कर रहा हूँ कि डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू एम एक्स वाई है, जहां पे इस एक्सप्रेशन का डिग्री ऑफ होमोजिनिटी क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ होमोजिनिटी क्या होना चाहिए, शुड बी जीरो। अरे समझ में आया क्या, डिग्री ऑफ होमोजिनिटी क्या होना चाहिए, शुड बी जीरो। जीरो। देन आप क्या कर सकते हो, ये वाला सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, और वो करने के बाद क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल, अरे बोलो यार, फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस होमोजिनस है तो ही वाई इक्वल टू वी एक्स कर सकते हैं, और भी कहीं कर सकते हैं, जहां मन वहां जो भी मन वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो करेंगे। ये बात चमकती है क्या? उसीलिए मैंने एग्जांपल दिया, अगर मैं बोलता हूँ कि इफ इट इज मंडे देन इट रेन्स, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि बारिश हुआ तो मंडे है। इसका मतलब क्या हुआ, मंडे है तो बारिश है, बारिश है तो मंडे थोड़ी ना है। ये बात चमकती है क्या? हाँ। मंडे हो भी सकता है और मंडे नहीं भी हो सकता है, ये बात चमकती है। तो अगर होमोजिनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिवाइड बाय डी एक्स होमोजिनियस एक्सप्रेशन है ऑफ डिग्री
आपके सिलेबस में डिग्री जीरो, तो y इक्वल टू वी एक्स या x इज इक्वल टू वी वाई से आपका काम बन जाएगा, बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है, कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए क्या? नहीं सर। हाँ हो गया सर। सबने कॉपी कर लिया क्या? अच्छा ठीक है, तो 7.4 पे आते हैं। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस टू एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। दूसरा एक्स क्यूब, और ये बात ध्यान रखना है कि एक सीक्वेंस फॉलो होता है। ठीक है, अगर पहले स्टेप में वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है तो आप जबरदस्ती हो, इट इज सीक्वेंशियल सिस्टम। लाइक आप बैंक में जाते हो, पहले गेट पे बात करते हो, गेट पे काम नहीं होता है, फिर आप क्लर्क से बात करते हो, क्लर्क से काम नहीं होता है, फिर आप मैनेजर से बात करते हो। ठीक है, तो आप पहले ही मत अपना मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगा देते हैं, वेट करते हैं, पहले आप देखते हैं सिस्टम नॉर्मल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, देन आप फिर सब्स्टिट्यूशन की ओर चलते हैं।
चलो ये चार क्वेश्चन कॉपी करो पहले, आप लोग 10 मिनट ट्राई करो कि मैं सीधा सॉल्व करूं। ट्राई करेंगे सर, ट्राई करेंगे, ट्राई करो ना, करना क्या है, देखो ना जैसे नॉर्मल क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही करते ज्यादा अच्छा रहेगा।
सर माइक ऑफ है। हाँ 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 अरे हो रहा है, करूँ? बोलो। हो रहा है सर। हो रहा है सर। नहीं हो रहा है, आज करो ना, राम स्टैंड दे, करो ना, अच्छा रहेगा ना फिर। सर फर्स्ट वाला हाँ। दिखाओ ना, फर्स्ट वाले में थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर। अरे क्या क्या सर, अब तुम लोग को शर्म उरम नहीं रह गई लग रहा है अब तो यार, मतलब बहुत ज्यादा ही बेशर्म हो गए हो, मतलब क्या 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 दिक्कत क्या है इसमें, क्या दिक्कत है बोलो तो, सीरियसली बोलो क्या दिक्कत है। हाँ बोलो भाई क्या दिक्कत है, ये होमोजिनियस है कि नहीं है, इतना भी क्यों खेल दिया मैं भाई, बताओ ये होमोजिनियस है कि नहीं है। है सर। ये होमोजिनियस है कि नहीं है? है सर। तो वाई इक्वल टू वी एक्स डाला तो क्या होगा, डी वाई, तो 15 मिनट से बैठे क्या वाले थे जब मैं पूछ रहा हूँ तो बता रहे हो, पहले वो तो बोलोगे ना यार, एक्स डीवी वाई डी एक्स, डीवाई डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, वी प्लस एक्स, अरे इतना चमकता है क्या, क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या लिखा है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस, अबे बोलोगे वाई स्क्वायर, देखो बे एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स वी एक्स, टू एक्स वी एक्स, तो भैया एक्स एक्स कट गया ना, तो वन प्लस वी स्क्वायर बाई टू वी, होमोजिनियस वाले क्वेश्चन सारे हमेशा लंबे लंबे होते हैं, अगर छोटे हो गए तो आप लकी हैं एग्जाम में, अदरवाइज ये क्वेश्चन हमेशा डेढ़ दो पेज के होते हैं। आप ये सोचो कि फटाक से बन जाएगा, ऐसा होगा नहीं, वैसे ये छोटा था, ये छोटा था। हाँ भाई, हाँ भाई बोलो, जिसका भी डाउट था, क्या नहीं बना इसमें बोलो मुझे, क्या दिक्कत है बोलो, अभी क्या करेंगे बोलो, अभी इसका एक कर सकते हो कि मैं क्या करूं यार, मैं समझ में नहीं आ रहा है, मतलब नहीं बन रहा है क्वेश्चन क्या, बिल्कुल ही। हेलो। हाँ सर। इसका एक कैसे करेंगे सर, हम सीधा ये log का फॉर्मूला लगा सकते हैं सर, dx हाँ, सब्स्टिट्यूट भी कर माइनस माइनस ln 1 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस c, चमक रहा है क्या। हाँ सर। है ना, तो अब ये क्या लिखा हुआ है, लॉन एक्स, तो सी को भी लॉग के टर्म्स में ले सकते हैं। हाँ वही लिख रहा हूँ मैं, वही लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा वन बाई वन माइनस, उतना क्यों करूं मैं, ठीक है ना। हाँ तो हो गया ना यार, मैं क्या ही कर रहा हूँ, अभी कर लो, मैं चलो एंड तक कर देता हूँ एक बार तुमको, तुम ऐसे डराते हो यार, डरा दे रहे हो मुझे बहुत ज्यादा, इक्वल टू के हो गया, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू वन माइनस y square by x square is equals to a, तो ये हो जाएगा x square minus y square is equals to ax, अब बताओ इसमें क्या, इसमें क्या समस्या है बोलो। I think ये doubt बहुत लोग का था, क्यों नहीं बन रहा था बताओ, अरे ओम व्याकुल तुम्हारा डाउट था नहीं ये। हाँ सर। क्यों डाउट था, क्या फंस गए थे सर, मतलब एग्जैक्टली समझ नहीं रहा था कैसे अटेम्प्ट करना है, अभी फिर समझा तो आगे के कर लूंगा। अच्छा इतना लेट थोड़ा ना करते हैं, 15 मिनट हो गया था जी, बोलोगे ना होमोजिनियस दिखता है तो वाई को, अरे भाई हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तुम्हें सिखाया था ना मैंने साइन की पावर 4x और कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन पुट करते हो कॉस पुट करते हो, क्या पुट करते हो, साइन, साइन पुट करते हो, मुझे याद नहीं मैंने क्वेश्चन क्या बोला, ठीक है जो भी पुट कर कुछ पुट करते हो ना, तो वैसे ही यहाँ पे सिखाया डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू होमोजिनियस आ गया डिग्री जीरो का, तो क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, वाई इज इक्वल टू वी एक्स, इतना टाइम नहीं खराब किया पूछा करो तुरंत, ठीक है चलो बनाओ सॉल्व करो।
अरे वो व्याकुल हो रहा है बेटा, अब नहीं हो रहा अभी भी। हाँ सर हो रहा है अब। अरे नहीं हो रहा है तो बोलिए, या हो रहा है तो भी बोलिए। सर हो रहा है। सर आपके पास सर इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज़ टू एक्स से याद रखने को ट्रिक है क्या सर आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज़ टू एक्स मीन्स अगर कोई भी ये बोल रहा है। हाँ 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 सर, इसमें तो याद क्या करना है, तो e की पावर x लॉन 5 है तो हो गया ना, तो 5 की पावर x बाय लॉन 5 नीचे आ जाएगा। ओके सर। अभी नेक्स्ट वीक से r बैच का भी लेक्चर शुरू कर रहे हैं हम लोग, मतलब रिपीटर वाले का, तो मैं ना उसका प्लानर डाल दूंगा आज रात को, ठीक है? तो आप में से जिसको जो टॉपिक वापिस से पढ़ना होगा वो उस प्लानर के हिसाब से, आप लोग सुबह लेक्चर होगा, आप लोग खाली ही हो जो चाहो तो बैठ सकते हो, ठीक है? सर सिर्फ मैथ्स के लिए? नहीं बेटा। ओके सर। सबके लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों। एक बार ये क्लियर हो जाए ना कि मतलब ये जनवरी का एग्जाम है कि नहीं, ये पता ही नहीं चल रहा है ना, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, मतलब तो उम्मीद तो नहीं है मुझे, बट पता नहीं, भरोसा नहीं है मुझे किस चीज का। बोलो बेटा। dv by 2 e raised to v plus v का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या चीज? dv by v plus 2 e raised to v। वापस बोलो, dv by v plus 2 e raised to v। v plus 2 into e raised to v। ये तो नहीं करे, तो फंस जाओगी। इसमें फंसी हो ना? हाँ सर, थर्ड वाला यही आ रहा है। तुमने इसमें x by y को v यूज किया है ना? हाँ सर। फंस गई ना? अब एक काम करो, y equals to vx यूज करो। सर उससे भी ऐसे ही कुछ बन रहा है। नहीं नहीं, उससे सॉल्व हो जाता है। y equal to vx से करिए।
सर दूसरे का आंसर क्या है? तुम आंसर के पीछे बहुत पढ़ते हो, आरडीआई में आईडीआई में आंसर के पीछे मत पढ़ो यार, कुछ तो है ही आंसर, मैं भेज दूंगा आंसर भी। अभी भी तीसरे में वैसा ही बना क्या? सर कर रही हूँ एक सेकेंड।
सर थर्ड वाले में कुछ बन रहा है बट उसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा. हाँ क्या बोल रहे हो सर? थर्ड वाले में कुछ बन रहा है बट उसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा. क्या बात कर रहे हो यार, किसी का नहीं हुआ थर्ड वाला? हो गया सर x इज इक्वल टू नहीं y इज इक्वल टू वी एक्स, तो क्या बन गया dy by dx. तो पुट करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, वैसा कुछ नहीं. क्या हो जाएगा dy by dx इंटू टू e की पावर एक्स वाई वन माइनस एक्स बाई वाई dy by dx प्लस 1 प्लस 2 e की पावर x बाई वाई. अरे बाबा इतना क्लियर है क्या बेटा आपको प्रियंका? ठीक है, तो अभी y इज इक्वल टू वी एक्स किया बेटा, तो कितना आ गया dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बोलो? v प्लस x dv बाई डी एक्स, तो v प्लस x dv बाई डी एक्स. अरे बात समझ में आती है क्या? हाँ सर. 1 प्लस 2 e की पावर 1 बाई वी होगा रे, है ना? और नीचे को अपन लिखेंगे 2 e की पावर 1 बाई वी, ठीक है? और क्या होगा रे इधर 1 माइनस 1 बाई वी. इतना क्लियर है क्या? हाँ ठीक है. अभी इसके बाद इसको v को उधर भेज, क्या बनता है x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना बनता है रे? 1 प्लस 2 e की न्यूमरेटर में माइनस होगा ना. देखो भाई गलत किया था ना मैंने, मैंने क्या गलती करी थी? वन बाई वी माइनस वन हो जाएगा. ठीक है, तो वन बाई वी माइनस वन और माइनस वी कर देंगे. ठीक है, तो क्या हो गया बोलो? एलसीएम लिए हो प्रियंका? एलसीएम लोगे देखो क्या बनता है, ये वी के साथ जाके वी वी कट जाएगा बेटा, टू वी की पावर वन बाई वी आ गया और माइनस टू ई वी वन बाई वी. ठीक है, और नीचे में क्या है टू ई वन बाई वी माइनस वन. एलसीएम थोड़ा लिया था हमने, नहीं एलसीएम लिया था, बस हो गया. तो अभी आपका क्या कट गया, ये और कट गया ना, क्या बचा आपका? वन माइनस टू वी ई की पावर वी बाई टू सर, वन प्लस टू वी रेस टू वन बाई वी. हाँ 1 बाई वी प्लस 1. ठीक है बेटा, ये आ गया आपका x dv बाई dx. ठीक है, कितना आ गया dx बाई dx इज इक्वल टू बोलिए 2 e की पावर 1 बाई वी, बोलो प्रियंका, 1 बाई वी प्लस 1 है ना, इंटू dv बाई 1 प्लस 2 वी e की पावर 1 बाई वी. यहां तक क्लियर है प्रियंका? हाँ. अभी इसके बाद बताओ क्या करें. मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है वन बाई वी को टी ले ले क्या? नहीं, e की पावर वन बाई वी को टी ले रहे, कुछ तो लेना पड़ेगा ना, इसको क्या ले बोलो? टर्म वन बाई वी माइनस वन था ना, कौन सा नीचे वाला ना? हाँ सर. हाँ 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 ठीक है. अभी वी e की पावर वन बाई वी का डीसी लिखा है क्या बेटा? देखो तो सर, उसका डीसी तो वी ई पार वी प्लस ई पार वी होगा. नहीं नहीं, इसका इसका डीसी, इसका डीसी वही लिखा है वी की पावर, उसका डीसी लिखा है ना? हाँ समझा सर. इसका
हाँ इसको इसको पी पुट कर दो ना बेटा, इसको पी पुट करोगे ऊपर में डीसी लिखा है ना, ई की पावर वन बाई वी प्लस वी ई की पावर वन बाई वी आ गया था तो इसलिए गलत हुआ। अरे क्लियर है क्या थर्ड वाला? हाँ सर। हाँ सर। ये लंबा होता है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते, होता इतना ही है। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको आना चाहिए। ओम व्याकुल बन रहा है नहीं बन रहा है? हाँ सर बन रहा है। कॉपी कर लिए सभी लोग? हाँ सर। हाँ सर। रब करे क्या? एक सेकंड सर। तो वो हमें पता कैसे चलेगा कि y by x को? नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, n तक सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं पता चलेगा, आपको देखना पड़ेगा आपको किसमें फायदा हो रहा है। ठीक है सर, इसमें x y x by v को y लेने से दिक्कत फंस जाती है, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, दिक्कत आएगी। ठीक है आप वापस से ट्राई करना, देखना अगर कैलकुलेशन गलती नहीं की होगी तो सॉल्व हो जाना चाहिए। हाँ सर आया इसलिए बोला, अगर कैलकुलेशन गलती नहीं करेंगे तो हो जाना चाहिए। ठीक है अभी रब करें क्या इसको? हाँ सर। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन क्या था बताना? तो dy by dx क्या लिखा था बोलो तो? 9x plus 5y 6x plus 7y ये हो गया डायरेक्ट? हाँ सर। ये तो सीधा होमोजेनियस है ना, क्या होगा बोलो? y is equals to vx, तो dy by ds कितना आएगा? v plus x dv by dx, तो v plus x dv by dx is equals to कितना आएगा बोलो तो भाई? 9x 5 vx by 6। अरे हाँ या ना यार कुछ तो बोलो यार। हाँ सर। ये लंबा होता है होमोजीनियस, कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते हो, तुमको करना ऐसा ही पड़ता है। x dv by dx कितना आया बोलो? 9 plus 5v by 6 plus 7v minus v, ये क्लियर है क्या? कितना आ रहा है बोलो? 9 minus v minus 7v square minus v by 6 plus 7v, है ना? तो 6 ये लंबा होता है, बात ध्यान रखना, कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते हो इसमें, लंबा होता है तो होता है। अभी कैसे करेंगे? अभी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना ये, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं बताओ तो? कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है अमित? कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है अमित? हाँ सर। अमित एम? हाँ सर। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है ये सर? वो उसको a into dc plus b। हाँ बढ़िया, गुड 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 गुड, बढ़िया। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एक क्वेश्चन और, dy by dx is equals to x plus y plus 1 by 2x plus 3y plus 7। मुझे बताओ, थोड़ी देर पहले भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था ऐसा, है ना? लेकिन वहां पे ऊपर नीचे जो लाइंस थी वो पैरेलल थी, ये मानते हो? हाँ सर। तुमको याद है मैं कौन सा क्वेश्चन कह रहा हूँ? x माइनस वाई वाला, है ना? तो ऊपर जो लाइन थी और जो नीचे जो लाइन थी वो क्या थी दोनों आपस में? पैरेलल थी। तो हम लोग बड़े आराम से x माइनस वाई को t सब्स्टिट्यूट कर पाए थे ना? हाँ सर। इस वाले में कैसे करेंगे बस सॉल्व कर सोचिए। आपको मैं एक हिंट दूं क्या? अच्छा ये बताओ सुनो, हेलो, अच्छा इन दोनों लाइंस में क्या अपन खेल कर सकते हैं ताकि ताकि ऐसा हो जाए कि समहाउ कांस्टेंट टर्म गायब हो जाए? इन दोनों लाइन में क्या अपन मजाक कर सकते हैं कि दोनों टर्म में कांस्टेंट टर्म गायब हो जाए? क्या कर सकते हैं बोलो?
नहीं समझ रहे हैं आपको चीज क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओरिजिन शिफ्ट करेंगे। ओरिजिन शिफ्ट कहाँ करेगी? ओरिजिन शिफ्ट कहाँ करेगी? लाइन पे। ओरिजिन शिफ्ट लाइन पे, किस लाइन पे? ओरिजिन शिफ्ट कहाँ करोगे बताओ? दोनों के इंटरसेक्शन पे में भी। दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, उससे क्या फायदा होगा? कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो एक काम करो, दोनों का ओरिजिन शिफ्ट करो, ओरिजिन शिफ्ट करो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। शिफ्ट करने आता है ओरिजिन? हाँ सर। करो। सर हाँ बोलो सर, ओरिजिन शिफ्ट कैसे करेंगे बताइए ना। इतना सिंसियर ट्वेल्थ में हुए ना ओम व्याकुल, तुम उतना इलेवेंथ में रहे होते ना, तुम ना मतलब 2000 के अंदर रैंक दे देते, कितना तुम अभी सिंसियर हो। चलो ऑफिस में देखो, ओरिजिन शिफ्ट दो लाइंस है ना, ठीक है, तो ओरिजिन शिफ्ट कैसे करते हैं? x प्लस वाई प्लस वन जीरो, और श्रेया इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है बेटा? 4, -5। 4, -5। ठीक है, तो ओरिजिन शिफ्ट कैसे करते हैं बिल्कुल? अगर आपका यहां पर 0, 0 है और आपको अगर 2, 3 पे ओरिजिन शिफ्ट करना है, तो आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट x, y है, न्यू कोऑर्डिनेट x, y है, तो x क्या होता है बताओ? x इज x माइनस 2 ना बेटा, और y इज y माइनस 3, यही होता है ना ओरिजिन शिफ्टिंग। हाँ सर। x इज इक्वल टू, सॉरी x इज, ये छोटा x जो है वो क्या होगा? बड़ा x माइनस 2 ना, बिल्कुल हर बार ये फिगर बनाया करो, मुझे याद भी नहीं है, मैं हर बार ये फिगर बनाता हूँ। और एक बात ध्यान रखो, दिस सिस्टम विल फॉलो फॉर ऑल द क्वाड्रेंट्स, तो आप ये मत सोचो यहाँ होगा यहाँ होगा, आपको हर बार ये रखना होता है। तो नॉर्मली क्या होता है ओरिजिन शिफ्टिंग? x माइनस a और y इज इक्वल टू y माइनस b, यू डोंट नीड टू थिंक a और b कहाँ पे है, दिस इज द ओरिजिन शिफ्टिंग, ये बात चमकती है। तो यहाँ पर ओरिजिन शिफ्टिंग कैसे होगा बोलो? आप x को क्या मानोगे? x माइनस 2। आप सिंपल सोचो ना, पॉइंट ऑफ, आप सिर्फ आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो यार, खत्म बात। ठीक है, आपका स्मॉल x क्या हो जाएगा बोलो? x प्लस 2। आपका स्मॉल y क्या हो जाएगा बोलिए? y प्लस 3। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। इसको पुट करो यहाँ पे, तो आपका dx, आपका dy क्या हो जाएगा? dy, और dx क्या हो जाएगा? dx, अरे ये बात चमकती है, यहां पर रिप्लेस करो x को, x प्लस 2 प्लस, कुछ गलती हुआ है क्या? वो यहाँ क्या पर डिफरेंट है ना पॉइंट। अरे सॉरी 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 सॉरी, ये क्या लिखा है मैंने यार, वाई प्लस वाई माइनस 5 एक्स, अरे यार पूरा ही सिस्टम ही कचड़ा हो गया। ठीक है, एक्स क्या होगा? एक्स प्लस 4 प्लस वाई माइनस 5 प्लस 1 बाई 2x, तो 2x प्लस 8, अरे बाबा चमक रहा है ना, 3y माइनस 15 प्लस 7, तो क्या हो गया आपके पास, क्या बन गया dy by dx, क्या बन के आ गया? x प्लस y बाई 2y। अब ये क्या है? वेरिएबल सेपरेबल। कैसे भाई ये वेरिएबल सेपरेबल? तो पहले होमोजीनियस है ना ये? हाँ सर। पहले ये होमोजीनियस है ना, फिर ना वेरिएबल सेपरेबल है। हाँ सर। अरे बात समझ में आई क्या?
हेलो हाँ सर कॉपी करो अभी अपन मिलेंगे रात को 8 से 9 एक घंटा मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए होमवर्क 7.4 दे रहा हूँ और एनसीईआरटी से 2 एक्सरसाइज दे रहा हूँ हेलो कुछ बोले या कुछ हाँ सर हाँ सर ये आपको 7.4 भेजा है मैंने ठीक है और एनसीईआरटी का डी का कोई मुझे भेजेगा क्या ताकि मैं बता दूं कौन सा करना है एनसीईआरटी का डी का कोई मुझे भेजेगा क्या एनीबॉडी गोइंग टू सेंड मी कोई भेज रहा है नहीं भेज रहा है कोई बोलो यार हाँ सर एक मिनट अरे यार इतना में तुमने भेजा उतना मुझे मिल गया रहने दो भाई रहने दो मुझे मिल गया एनसीईआरटी के डी चैप्टर से हेलो एनसीईआरटी का डी चैप्टर से सुनिए क्या करना है हाँ सर अरे हाँ सुनो 9.2 का 1 से 10 लिखो कॉपीज में लिखो 9.2 का 1 से 10 9.4 9.5 सबको होमवर्क क्लियर है होमवर्क क्या है अभी का क्लास वर्क ही तो है मैंने क्या क्या बोला करने को बोलो 9.2 का 1 से 10 9.4 9.5 और स्टेट बोर्ड का मैंने क्या भेजा है आपको अभी इमेज 7.4 ठीक है अगर आपको अच्छे समझ में आया है ना आपको करने में उसके से 3 घंटे लगेंगे ठीक है अपन रात को 8 PM पे मिल रहे हैं 8 PM किसी कोई दिक्कत नहीं सर अरे ठीक है ना ये पढ़ाई का तरीका मैंने पढ़ाया मैंने आपको क्लास में हम लोग क्लास में ऐसे ही पढ़ते हैं ना मैं आपको पढ़ाता हूँ फिर क्वेश्चन देता हूँ करने को है कि नहीं हाँ सर तो सही है ना तरीका फिर अपन क्या होमवर्क दे फिर कल डिस्कस करें आज ही खत्म करेंगे अभी क्लास में पढ़ रहे होते तो अभी तो आप क्लास के हिसाब से देखिए अभी तो मैं आपका थर्ड वाला ब्रेक खा गया होता ना फिर 10 मिनट पढ़ लो ऐसे ही करते ना अपन यार ठीक है चलो करो ठीक है अपन रात में 8 बजे हाँ बोलो 7.4 का आंसर भेजा है ना पीछे जो आपको पहले जो ऊपर आपको आंसर भेजे थे ना बेटा मैंने पिछले वाले एक्सरसाइज का उसमें 7.4 है देखिए ना एक बार कॉपी कर लीजिए 5th question कॉपी कर लिए नहीं सर थोड़ा बचा सर बोलिए सर आप ये ओरिजिन शिफ्टिंग वाला एक और बार फिर से समझा सकते हैं ओरिजिन शिफ्टिंग में कौन से पार्ट में दिक्कत है यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ पर दिक्कत है बताओ पहले यहाँ या यहाँ राइट साइड राइट मतलब क्या होता है पहला या दूसरा पहला दूसरा पहला पहला देखना मैं क्या कह रहा हूं देख क्या होता है कि ऑब्जर्वर कभी यहां पर है तो उसको ये दिख रहा है एक्स कमा वाई ठीक है ऑब्जर्वर यहां आ गया उसको दिख रहा है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ठीक है तो अब ये जो ऑब्जर्वर है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई वाला उसको क्या दिखेगा
अगर ओ को अगर एक्स डिस्टेंस दिखा था तो ओ डैश वाले को क्या दिखेगा बताओ, एक्स माइनस टू दिखेगा ना, नहीं समझे? यस सर। आपको ओ पे मान लो आपको यहाँ पे स्मॉल एक्स दिख रहा है, ठीक है, आपने टू पे शिफ्ट किया है तो ओ डैश क्या दिखेगा कि कैपिटल एक्स में से टू हटा देगा ना ओ डैश, तो ये बात समझ में आती है? हेलो, हाँ सर समझे। अभी आप देखो ना, आपका स्मॉल वाई क्या है, स्मॉल वाई आपका ये डिस्टेंस होता है, कैपिटल वाई क्या है आपका, यहां से यहां पर कैपिटल वाई है, समझ में आता है? तो बताओ ना स्मॉल वाई किसके बराबर है, स्मॉल वाई माइनस थ्री कैपिटल वाई है ना बेटा, समझे क्या? यस सर। ये आपका स्मॉल वाई, ये आपका थ्री, तो स्मॉल वाई में से हटा दोगे तो ये आपका कैपिटल वाई चमका। हाँ सर क्लियर है, वापस एक्सप्लेन करूं? हाँ सर क्लियर। सर हमें ये कब चलेगा कि हमें ओरिजिन शिफ्टिंग लगाना है क्वेश्चन में? अभी आप बनाओ ना, मैं अभी टॉपिक कंबाइन करूंगा ना, अभी आप बनाओ ना, ठीक है? देखो क्या था, ये लाइन बाय लाइन था और पैरेलल लाइन नहीं था। हाँ। लाइन बाय लाइन था और पैरेलल लाइन नहीं था, तो ओरिजिन शिफ्ट किया। डी बहुत छोटा चैप्टर है, हमारे सिलेबस में तीन चार चीजें ही है, बस ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है सर, ठीक है, रात को 8 बजे।